हाय फ्रेंड्स, पंजाबी फूड ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करती है। आइए आज फिर आपको एक सिंपल नई डिश बनाना सिखाते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप कोई भी हमारा वीडियो मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आज हम बनाएंगे वाइट चने। उसके लिए हमने एक ग्लास वाइट चने लिए, उनको हम अच्छी तरह से पहले पानी के साथ धो लेंगे। 3-4 पानी के साथ हम उसको अच्छी तरह से धो लेंगे और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। एक कुकर में हमने पानी डाला है और जो चने हमने भिगो के रखे हुए थे, 3-4 घंटे तक हम भिगो के रखे थे, आप ओवरनाइट भी उसको भिगो सकते हैं, तो वो हमने अब कुकर में डाल दिए। 4 ग्लास हमने पानी डाला है। 1 चाय पत्ती का हमने पोंछ लिया है, तो वो भी हम उसमें 1 पत्ती का वो डाल देंगे। अगर आपके पास सैशे नहीं है तो आप उसको 1 चम्मच चाय की पत्ती को एक साफ़ कपड़े में बांध के वो उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि उसके साथ जो चने में कलर आता है वो बहुत अच्छा लगता है। 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया, तेज पत्ता डाला है और इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची। 6-7 हमने काली मिर्ची के पीसेस लिए हैं, 3-4 लौंग लिए और 1 छोटी इलायची ली है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह से ये चने बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जब तक हमारे चने उबल रहे हैं तब तक हम मसाले की तैयारी करेंगे। हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, उसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। 1 कढ़ाई लिए, अब हम उसमें डालेंगे तेल। आप जो भी तेल खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो रहा है। तेल जब गर्म हो जाएगा तो अब इसमें हम डालेंगे हींग पाउडर। हींग पाउडर भी चनों में बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम हींग पाउडर डाल रहे हैं। हींग पाउडर जब अपना थोड़ा सा कलर छोड़ देगा और खुशबू आएगी इसकी, तो समझो ये हींग हमारी पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हम 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। अच्छी तरह से हम इसको लहसुन अदरक के पेस्ट को भून देंगे। हम इसको धीरे आंच में पका रहे हैं। हमने आंच बहुत स्लो की हुई है और लहसुन अदरक के पेस्ट को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये लाइट पिंक कलर का हो जाएगा और ये अपनी प्रॉपर खुशबू छोड़ देगा। तब तक हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपक ना जाए, क्योंकि लहसुन अदरक की पेस्ट जो होती है वो चिपकने का डर होता है, इसलिए हमें इसके लिए आंच को भी कम रखना होता है। अगर तेज़ आंच होगी तो ये चिपकने का डर होता है। अब हमने इसमें कुछ पत्ते कड़ी पत्ते के डाले। कड़ी पत्ते के पत्तों से भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ट आता है और कड़ी पत्ता हेल्दी भी है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो हमने कड़ी पत्ते को भी थोड़ा लाइट पिंक सा भुनेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच। 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम डाल लेंगे जीरा पाउडर और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे मेथरे का पाउडर जो हमने बना के रखा हुआ है। नमक डालेंगे 1 चम्मच, हमने पहले डाल दिया था, और 1 चम्मच हमने छोटा और डाला है। आप अपने टेस्ट के और क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं।
एक चम्मच इसमें हमने सौंफ पाउडर का भी डाला है जो कि हमने भून के पाउडर बना के रखा हुआ था। अब हमने डाले हैं हरी मिर्ची जो हमने बारीक बारीक काट के रखी हुई थी, अब हमने उसको डाल दिया और अच्छी तरह से सबको हम मिक्स कर देंगे और धीमी आंच में हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि सब मसाले अपना कलर टेस्ट सब छोड़ देंगे, तो ये थोड़े पक जाएंगे, भून जाएंगे अच्छी तरह से। तब तक इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना चिपकने पाए। इसी तरह से हम धीरे धीरे कड़छी को चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे और जल ना पाए। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पेस्ट। हम इमली का पेस्ट 2 चम्मच छोटे डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार जितना भी खाना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। अगर आप नहीं खट्टा खाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम अच्छी तरह से सब मसालों के साथ इसको भी मिक्स कर देंगे और धीरे धीरे आंच पे हम इसको पकाएंगे। इस तरह से हम इसको धीरे धीरे पकाते रहेंगे। इस तरह से हम इसको धीरे धीरे पका लिए। अब हमने इसमें 1 चम्मच गुड़ की शक्कर डाली है। थोड़ा इसको खट्टा मीठा होता है तो बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप गुड़ की शक्कर नहीं डालना चाहते तो आप शुगर, वाइट शुगर डाल सकते हैं, शुगर फ्री भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। अब हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम गैस इसकी बंद कर देंगे। अब हम कुकर को खोलेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से 8-10 इसमें विसल की थी क्योंकि हमने 3-4 घंटे भिगोया था। अब हमारे चने बिल्कुल बहुत अच्छे बन गए, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। हमने इसकी आंच भी थोड़ी सी मध्यम कर दी थी ताकि ये प्रॉपर आराम से पक जाएं। अगर हम ओवरनाइट इसको भिगो के रखेंगे तो हमें ज़्यादा बिसले नहीं करने की ज़रूरत होती और आंच को भी धीमे करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अब हमने टी बैग इसमें से निकाल दिया। अब हम इसमें जो मसाला हमने तैयार किया वो मिक्स करेंगे क्योंकि चने हमारे गल गए अच्छी तरह से। अब हम मसाले को इसमें मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करके हम अच्छी तरह से इसको कड़छी से हिला देंगे। सारा मसाला हमने इसमें डाल दिया। बहुत अच्छे चने बने हैं, खुशबू बहुत आ रही है, बहुत ही टेस्टी बने होंगे। बड़ा इजी तरीका है इनको बनाने का। जिस कढ़ाई में हमने मसाला बनाया था अब उसमें थोड़ा सा पानी बॉईल करके वो हमने चनों में डाल दिया ताकि वो मसाला जो कढ़ाई में लगा हुआ है वो वेस्ट ना जाए। इस तरह से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए सब चने और कुकर को हम बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर तक हम इसको बॉईल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से प्रॉपर जो हमने पानी में डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब हमने जो धनिया काट के रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से हमने धनिए को भी डाल दिया और मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। अब हमारी चने बन के बिल्कुल तैयार है। थोड़ी देर और हम गैस पे रखेंगे और गैस फिर बंद कर देंगे। अब हम चनों के साथ बनाने लगे हैं लच्छा परौंठा। हम लच्छा परौंठा बना सकते हैं और प्लेन चपाती भी खा सकते हैं और पूड़ियाँ खाने को दिल करे तो पूड़ियाँ भी तल सकते हैं, मगर हम लच्छा परौंठा बनाएंगे इस तरह से सिंपल तरीके से। हमने एक पेड़ा लिया है और उसको हम थोड़ा सा फैलाएंगे
और उसके बाद हम थोड़ा सा राउंड करने के बाद हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी। अब हम देसी घी इसके ऊपर लगाएंगे। आप जितना भी खाना चाहते हैं उसके हिसाब से क्वांटिटी लगा सकते हैं। अगर देसी घी नहीं लगाना तो आप सिंपल ऑयल लगा सकते हैं, जो भी आप खाते हैं और जितना भी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हल्का सा नमक और हल्का सा हम इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला और थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे अजवाइन और सबको अच्छी तरह से हाथ से फैला देंगे ताकि प्रॉपर सारी चपाती पे पूरा लग जाए। और इस तरह से हम इसको सिंपल तरीके से काट देंगे। ये हम एक सिंपल तरीके से बना रहे हैं, हम अपने दूसरे रेसिपी में आपको प्रॉपर लच्छेदार परौंठा बनाना सिखाएंगे। ये इस तरह से हमने सिंपल तरीके से इसको कर लिया, इससे भी बहुत अच्छा बनता है और बड़ा सॉफ्ट और टेस्टी लगता है। इस तरह से हम इसको इस तरह से हम डाउन करके इसको इस तरह से फिर एक पेड़े की तरह बना लिए और सूखा आटा लगा के इसको हम फैला लेंगे। कई जने थोड़ा मोटा चपाती खाते हैं तो वो उसको थोड़ा मोटा रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं फैलाएं। और जैसे अगर पतला खाना चाहते हो तो इसको अच्छी तरह से आप फैला सकते हो। इस तरह से हमने इसको चपाती को फैला लिए और अब हम इसको तवा हमारा ऑलरेडी गर्म हो चुका है, हम इसको डाल देंगे तवे के ऊपर। इस तरह से हमने तवे के ऊपर इसको डाल दिए। अब हम इसकी साइड बदल देंगे। हमने इसको पलट दिया, इसको बड़े हिसाब से पलटना होता है। अगर ज़्यादा देर पड़ा रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं पकता, इसको थोड़ा सा इसका भी एक हिसाब है जब हम इसको पलट देते हैं। हम इसको बड़े आराम से इसी तरह से बनाएंगे। हम ऊपर इसके कोई ऑयल या घी नहीं लगाएंगे। अगर आप ऊपर घी या ऑयल लगा के खाना पसंद करते हैं तो आप लगा सकते हैं। हम इसको इसी तरह से चपाती की तरह पका लेंगे और नीचे उतार के हम इसको देसी घी लगाएंगे। आप जो भी ऑयल या घी खाना पसंद करते हो आप लगा सकते हैं। अब हमारी चपाती बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छी बनी है। अब हमने इसके ऊपर देसी घी लगा लिए, बहुत अच्छी बनी है। एक चने की ऐसी सब्जी होती है, हर कोई इसको खाना बहुत पसंद करता है, कोई भी हो छोटा बड़ा इसको पसंद करता है। चने बहुत अच्छे लगते हैं, इसको हम चपाती के साथ, पूड़ी के साथ, परौंठी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। ये खट्टे मट्ठे चने बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। हमने थोड़ा सा धनिया रख लिया था जो कि हमने अब ऊपर डालने के लिए रखा था, अब हमने वो धनिया ऊपर डाल दिया। अच्छी तरह से सर्व जगह पे हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया। अब हम इसको सर्व करेंगे दही और चने और साथ में थोड़ा सा अनियन चटनी, आप कुछ भी ले सकते हैं, अचार ले सकते हैं, और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा उसके साथ। इस तरह से हम अब सर्व कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार है, बहुत अच्छी बनी है। आप भी अपने घर में इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हर कोई इसको पसंद करेगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।